बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स को कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये फाइनल एग्जाम्स में आ चुका है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे, आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स का मतलब क्या है। तो आइसो मतलब सेम, और टोप का क्या मतलब होता है, प्लेस। टोप का क्या मतलब होता है, प्लेस। यानी आइसोटोप्स का क्या मतलब हुआ, सेम प्लेस। अब किस चीज़ की सेम प्लेस, किस तरह से सेम प्लेस, वो आगे चल के इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स आर सच न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट डेट हैव द सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। ये किसी एलिमेंट के ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं कि जिनका चार्ज नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। यानी ये किसी एलिमेंट के ऐसे न्यूक्लियाई हैं कि जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो डिफरेंट होंगे। ओके, हो गया। अब किस तरह से, वो चीज़ देखते हैं। हमारे पास ये हीलियम हैज़ टू आइसोटोप्स। हीलियम के कितने आइसोटोप्स हैं, टू आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से, एक ये वाला हीलियम 2 और 3 और हीलियम 2 और 4। अब इसमें 2 क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये 2 क्या है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस हीलियम के और इस हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है। अच्छा, इस हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, 3। इस हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, 4। तो एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। अब एटॉमिक मास डिफरेंट है तो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें 2 हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, A-Z से। Z किस चीज़ को शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखूँ तो कितने आएंगे, एटॉमिक मास इसका 3 है और जेड यानी एटॉमिक नंबर इसका 2 है। तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितना है, 1 है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 4 माइनस 2। ठीक है, एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2, तो 4 माइनस 2। और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो यहां से आप देखें कि दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, 2 2 हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, ये मैं लिखे ना P = 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Z = 2। ठीक है, क्योंकि Z किस चीज़ को शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे पास एलिमेंट के ऐसे हमारे पास डिफरेंट एटम्स होते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, या दूसरी सेंस में कहें तो एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से हैं, एक ये वाला है जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब इन तीनों आइसोटोप्स में देखें नीचे आपको क्या नजर आ रहा है, 1, ये भी 1, ये भी 1। यानी कि इन तीनों आइसोटोप्स का जो हमारे इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स का ये जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। इसका एटॉमिक नंबर भी 1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें भी 1 प्रोटॉन, इसमें भी 1 प्रोटॉन, इसमें भी 1 प्रोटॉन, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। यानी प्रोटियम का एटॉमिक मास क्या है, 1, ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास 2, ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3। तो इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स के एटॉमिक मैसेज क्या हैं, डिफरेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, ये आइसोटोप्स हैं। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो वो नहीं होते। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो 2 माइनस 1, 1 न्यूट्रॉन है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो 3 माइनस 1, 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आइसोटोप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे होती हैं, डिफरेंट ये जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं
इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, इसी तरह से डेंसिटी डिफरेंट होगी, स्टेबिलिटी डिफरेंट होगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये आइसोटोप्स की डिफरेंट होती हैं। आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे सेम है, जैसे प्रोटियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो भी हमारे पास वाटर बनेगा, ड्यूट्रियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो भी हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। फर्क क्या है, इससे सॉफ्ट वाटर बनेगा, इससे हमारे पास हार्ड वाटर बनेगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोटोप्स का हमारे पास ये सारा टॉपिक था। सेम प्लेस का क्या मतलब है, सेम प्लेस का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में जो इन आइसोटोप्स की, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है, तो इन तीनों की जो प्लेस है वो सेम होगी। अब हाइड्रोजन क्या है, वो पहले नंबर पे आता है, तो हम कहें कि ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को हम कहां पर डालें, भाई ये भी वहीं पर आएंगे। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी प्लेस क्या होती है, वो सेम होती है। अब हीलियम के ये जो हमारे पास टू आइसोटोप्स हैं, ये कहाँ पर आएंगे, वो जहाँ पर हीलियम है ये दो आइसोटोप्स ही वहीं पर एडजस्ट होंगे, ठीक है। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में प्लेस सेम होती है, इस वजह से इसका क्या है, मतलब सेम प्लेस, ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मैस स्पेक्ट्रोग्राफी, ठीक है, या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। अब मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है, इट इज़ अ डिवाइस, ये ऐसी डिवाइस है विच सेपरेट्स आइसोटोप्स एंड डिटरमाइन द मैसेज ऑफ आइसोटोप्स एक्यूरेटली। ये ऐसी डिवाइस है जो डिफरेंट जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं उनको एक तो सेपरेट करेगी, जैसे ये हमारे पास आइसोटोप है, ये है, ये है, इन आइसोटोप्स को सेपरेट हम कैसे करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ से, यानी इस डिवाइस के जरिए से। और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ यानी ये डिवाइस यूज करके हम इन आइसोटोप्स के जो मैसेज हैं वो भी एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। फिर से हम इसको बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, अगर हमें उनको सेपरेट करना हो तो हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ करते हैं, या उनके हमें मैसेज को कैलकुलेट करना हो एक्यूरेटली तो फिर भी हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि किसी एलिमेंट के जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए और उनके मैसेज को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। अब कैसे डिफरेंट आइसोटोप्स को हम सेपरेट करते हैं और कैसे हम जो है उन आइसोटोप्स के मैसेज को कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ हम चल के देखते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो डायग्राम बनी है या जो सारा ये सेटअप है इसकी कंस्ट्रक्शन सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद वर्किंग पे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये हमारे पास एक आयन सोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास लिट एस वन है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच, इसके इनर साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हमारे पास लिट एस टू है, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच, इसकी इनर जो हमारे पास सर्फेसिस होती हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमारे पास क्या है, एक वैक्यूम चैम्बर है, ये हमारे पास क्या है, एक वैक्यूम चैम्बर है, और जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, और ये डॉट क्या शो कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड है, आपकी तरफ है, ऐसे हमने इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, यानी इस वैक्यूम चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आउट ऑफ द पेज है, इस तरफ है, ठीक है। अगर क्रॉस होती तो इनवर्ड होती, लेकिन डॉट है तो इस वजह से आउटवर्ड है। डिटेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमें काउंट रेट हमें देगा, ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट पल्सेस कैलकुलेट होंगी उनको कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके हम बात करते हैं कि ये अब हम वर्किंग इसकी किस तरह से हम देख रहे हैं, ये तो इसकी होगी कंस्ट्रक्शन कि इसमें लगा हुआ क्या क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि आइसोटोप्स को हम सेपरेट कैसे करते हैं इसके जरिए से और उनके मैसेज को एक्यूरेटली कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। यहां पर आपको नजर आ रही है आयन सोर्स है, यहां पर हम आइसोटोप्स को आयन्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उनके आयन्स हम बनाते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है कि जिसके आइसोटोप्स को मैंने सेपरेट करना है और उसको मैं कह देता हूं कि वो हमारे पास क्या है, सैंपल है, ठीक है। कोई एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स को हमने सेपरेट करना है, उसको मैंने क्या कहा कि ये हमारे पास कोई एक सैंपल है, ठीक है, और उस सैंपल को पहले हम वेपराइजेशन करेंगे, उसकी वेपराइजेशन करेंगे और फिर उसको हम आइन्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी सैंपल है जिसमें हमने एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को सेपरेट करना है, उसको पहले हम वेपराइजेशन करेंगे और फिर हम उसको
आयंस में कन्वर्ट करेंगे और ये सारा काम किस में होगा, इस आयन सोर्स के अंदर होगा, ठीक है। तो यहां से जो हमारे पास आइसोटोप्स के वो जो आयंस हैं वो यहां से फिर क्या निकलेंगे, ऐसे बाहर निकलेंगे। और कौन से आयन होंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, क्योंकि उनमें से हमने इलेक्ट्रॉन इस आयन सोर्स में, हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो उन पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन यहां से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस यहां से अब बाहर आएंगे। अब इस स्लिट S1 जो है, ये जो स्लिट S1 है इसमें हमारे पास इनर सरफेस में कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। ये उन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को रिपेल करेगी और वो आयंस ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे। अब ये जो स्लिट S2 है इसकी इनर सरफेस में कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। ये उन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। यानी कि स्लिट S1 और S2 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आयंस क्या होंगे, यहां से एक्सलरेट होंगे यानी स्पीड अप होंगे। आयंस क्या होंगे, यहां से एक्सलरेट होंगे यानी स्पीड अप होंगे, ऐसे बाहर निकलेंगे। ओके हो गया। स्लिट S1 में से किधर पॉजिटिव आयन, यहां पर इसकी इनर सरफेस से नेगेटिव चार्ज होता है, तो उन पॉजिटिव आयन को इस नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास स्लिट्स है इसने अट्रैक्ट किया यानी उनको स्पीड अप किया और यहां से उनको ऐसे बाहर निकाल दिया। अब यहां से एक बीम की शक्ल में ये जो आयंस हैं ये ऐसे बाहर निकले, पॉजिटिव चार्ज आयन। ओके हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये इस स्लिट S2 में से निकले हैं तब इनकी वेलोसिटी कितनी थी, बाद में आगे की बात करते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब यहां से निकले इनकी वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगली चार्ज आयन एट द स्लिट S2 विल बी गिवन बाय, वो हम देख रहे हैं। पोटेंशियल अप्लाई किया कितना, VE, जिससे क्या बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि VE इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। VE इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हमने पोटेंशियल दिया, V क्या है, पोटेंशियल है, E क्या है, चार्ज है उन आयंस के ऊपर, और यानी हमने पोटेंशियल दिया जिसकी वजह से उन पॉजिटिवली चार्ज आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी यानी उनकी स्पीड बढ़ गई। ओके हो गया। तो VE इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ है, या इसको नीचे मैं खुला सा करके लिखूँ ना, मैं इसको क्यों तंग करके लिख रहा हूँ, VE इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब यहां पर देखें ये v पोटेंशियल वाला v है और ये v वेलोसिटी वाला v है, लिहाजा हम इनको काट नहीं सकते। और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को, यानी इस v को फाइंड कर रहे हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ve डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, m डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा जी v इज इक्वल टू 2ve ओवर एम, और ऊपर क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, वेलोसिटी फाइंड की कि इस वेलोसिटी के साथ ये पॉजिटिव चार्ज आयन यहां से S2 से निकल रहे हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट अब क्या हुआ, आगे इनको टक्कर गई मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो वो उनके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि पॉजिटिव चार्ज आयन इस मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुए, इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इन पे फोर्स किधर लगेगी, पाम रूल के हिसाब से आपने देखना है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्जेस की वेलोसिटी अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो फोर्स किधर लगेगी, इस तरफ लगेगी, परपेंडिकुलर टू पाम, तो इन पे फोर्स ऐसे लगेगी और ऐसे कर्व्ड पाथ बना के डिटेक्टर के अंदर जाएंगे, कर्व्ड पाथ बना के डिटेक्टर के अंदर जाएंगे। डिटेक्टर नोट करेगा कि कितने हमारे पास आयंस आए हैं एक सेकंड के अंदर, यानी कि ये काउंट रेट कैलकुलेट करेगा जिससे हम इन आइसोटोप्स को सेपरेट कर लेंगे। अब यहां पर देखें जिन आइसोटोप्स का मैस कम है, जिन आइसोटोप्स का मैस कम है वो क्या होंगे, वो जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये कोई ऐसा आइसोटोप डिफ्लेक्ट हुआ है जिसका मैस कम है, और जिसका मैस ज्यादा है वो ज्यादा बड़ा सा ऐसे सेमी सर्कल सा बना के ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जिसका मैस कम होता है तो जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाता है, मैस ज्यादा होता है तो थोड़ी आगे जाके ऐसे डिफ्लेक्ट होता है। ओके हो गया।
तो ये चीज़ याद रखना है। स्मॉल ऐसे ये रेडियाई सा बन रहा है, इसका मतलब है मैस कम है। लार्ज रेडियाई बिना बन रहा है तो मैस ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तीनों हमारे पास आए तो ऐसे ये डिफ्लेक्ट होगा, ये हमारे पास प्रोटियम होगा हाइड्रोजन वन। फॉर एग्जांपल ड्यूट्रियम इससे बड़ा हमारे पास रेडियाई बनाएगा और जो ट्रिटियम है वो इससे भी बड़ा बनाएगा, तो एच वन और थ्री। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास लेस मैस के आइसोटोप होंगे उनका स्मॉल रेडियाई, फिर मैस जिसका ज़्यादा होगा उसका और बड़ा रेडियाई, जिसका मैस और ज़्यादा होगा उसका और बड़ा रेडियाई। तो सेपरेट नहीं हो गए, हो गया ना सेपरेट, तो डिफरेंट टाइमिंग्स में इस डिटेक्टर में पहुँचेंगे। तो डिटेक्टर क्या नोट कर रहा है कि एक सेकेंड में वो कितने आयंस हमारे पास आए हैं, तो इस तरह से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, हो गया। नेक्स्ट, अब इसकी इसका मैथमेटिकल की यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखें एक सेमी सर्कल सा नहीं ये बना रहे, सेमी सर्कल सा, और सर्कल में एक किस्म का ये मूव कर रहे हैं। तो आपको पता है चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मूव करने लग पड़ता है। तो यहाँ से ऐसे ये हाफ यानी सेमी सर्कल सा बना रहे हैं, और सर्कल में अगर कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है तो कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स ना इन पर लगती क्या ये कर्व्ड पाथ बनाते, नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स है, कितनी है, हम यहां पर कहेंगे कि एफ एम इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, कि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से इनका ऐसे कर्व सा पाथ बनकर डिटेक्टर के अंदर चले गए। तो यहां से हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, मैसेज की कैलकुलेशन हम करते हैं। तो एफ एम क्या होता है, आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला, हमारे पास ये मैक्सिमम फोर्स यहां पर लग रही है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, क्यू वी बी। ठीक है, क्यू वी बी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वेयर बाय आर। ओके, हो गया। अब ये वी इससे कट गया और क्या आया, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाय आर। यहां से हमने मैस को कैलकुलेट करना है, तो एम इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइडेड बाय वी। ये हमारे पास क्या है, मैस को कैलकुलेट करने का फार्मूला निकल आया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां पर अगर आप इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दें, तो इस इक्वेशन टू को वन में पुट कर देना है। यहां पर ये जो वेलोसिटी है ना, ये वी है, इस वी की जगह ये हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है, इसको पुट कर देना है, इस वैल्यू को इस वी की जगह पुट कर देना है। तो जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, हम यहां पर देखेंगे कि पुट इक्वेशन वन इन टू, यानी इक्वेशन वन को आप टू में जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन वन को टू में पुट करने, तो एम इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइडेड बाय वी की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाली चीज, तो टू वी ई डिवाइडेड बाय एम और ऊपर स्क्वेयर रूट। अच्छा, चीज़ों को आसान करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम दोनों तरफ ना स्क्वेयर ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्क्वेयर। तो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स है, तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वेयर। और क्यू की जगह यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, क्यू की जगह यहाँ पर मैं ई लिख देता हूँ, क्योंकि हम चार्ज क्या ले रहे हैं, ई ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, ई लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी ई लिख देते हैं, तो ई स्क्वेयर, और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या आया, बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और यहाँ से स्क्वेयर रूट हट जाएगा, तो टू वी ई डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा। ओके, हो गया। अब यहाँ से जो वैल्यूज कटती हैं वो काट दें, ये ई इससे गया, ये एक एम इससे गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एम इज इक्वल टू ई आर स्क्वेयर बी स्क्वेयर ओवर यहाँ पर टू और वी बचा। ओके, हो गया। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू ई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू वी, और ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर बी स्क्वेयर। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर e क्या है, चार्ज जो कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू रेस पावर -19 कूलम, और v क्या है, पोटेंशियल जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है,
और आर क्या है जो हमारे पास ये रेडियाई बन रहा है, ठीक है, ये जो हमारे पास रेडियस ये एक कोई स्पेसिफिक मैस जो बना रहा है। तो फॉर अ गिवन मैस ये ई आर और वी की वैल्यूज करेंगी कॉन्स्टेंट रहेंगी। फॉर अ गिवन मैस है, इस मैस के लिए क्या होंगी कि ये हमारे पास ई आर और वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेंगी। तो हम फिर लिख सकते हैं कि एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और बी स्क्वेयर, या आप लिख सकते हैं एम प्रोपोर्शनल है किसके, बी स्क्वेयर के। ओके हो गया। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि यहां पर कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम रखें, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फॉर एग्जांपल अगर हम कम रखें, तो ये जो हमारे पास आइसोटोप है ये फॉर एग्जांपल यहां से इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को ज्यादा करें तो इसमें ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और तब ये हमारे पास डिफ्लेक्ट होकर मैसेज के आएंगे, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएंगे इस डिटेक्टर के अंदर। यानी कि जितना हम मैग्नेटिक फोर्स की यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करेंगे उतना हमारे पास ये डिफ्लेक्ट होकर ज्यादा ये इस डिटेक्टर के अंदर आएंगे। ओके हो गया। तो उसके बाद जितना मैस ज़्यादा होगा, अगर हम मैस को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो रेडियस वो बनाएगा वो भी ज़्यादा होगा उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैस ज़्यादा होगा तो जो रेडियाई बनेगा वो भी हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम आइसोटोप्स को ना सेपरेट कर सकते हैं और उनका जो मैस है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता क्या हो, हमें चार्ज का पता हो, हमें रेडियस का पता हो, जो पोटेंशियल दिया है वो पता हो, बी जो अप्लाई किया है वो पता हो, तो हम मैस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज करके हम काउंट रेट वगैरह को हम कैलकुलेट करके इस डिटेक्टर के अंदर हम इन आइसोटोप्स को एक तो सेपरेट कर सकते हैं और इनका मैस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एक आखिरी चीज देख लेते हैं जो आपकी बुक के साइड पर दी हुई है। ये हमें ना वहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है नियॉन का, जिसमें यहां पर एक्स एक्सिस पे क्या है बी स्क्वायर हमने लिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड और वाई एक्सिस पे क्या है अबेंडेंस को हमने लिया हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखें तो तीन आइसोटोप्स नियॉन के, नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22 का हमें वो काउंट रेट सा दिया हुआ है, पल्सिस हमें दी हुई है जो इस डिटेक्टर में हमारे पास आई है। यहां पर अगर आप देखें तो नियॉन 20 की ये जो पल्स है ये बहुत ज्यादा हाई है और नियॉन 21 की कम है, नियॉन 22 की फिर ज्यादा है। इसका मतलब है नियॉन 22 की अबेंडेंस हमारे पास सबसे ज्यादा है, ये नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22 में से, ठीक है। तो नियॉन 20 की अबेंडेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।